आज हम आए हैं हनुमान टेकड़ी भिवंडी श्री साई सेवा संस्था के हिल लाइफ लाइन हॉस्पिटल के बेदरकार के कारण सोनी नाम के बच्ची की मौत हुई है। सोनी नाम है इसका, जो हमारे बीच में रहती थी, हमारे कम्युनिटी की जो महिला है उसकी बच्ची थी, वो भी उसकी माँ मर गई और उसके बाद में इसकी बच्ची। तो इसमें पुलिस कंप्लेंट होना चाहिए था। हमको मरने के बाद दूसरे दिन हमको ये पता चल रहा है कि वो मर गई है। ठीक है, क्या केस हुआ था आपके बस्ती में? हमें बंद होना चाहिए क्योंकि हमारे एरिया से ना बहुत लोग की डेथ हो चुकी है यहाँ पे। हमें वो हॉस्पिटल नहीं चाहिए, ना हमारे कम्युनिटी में वो चाहिए, ना वो औरत हमें यहाँ पे चाहिए। बस उसका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। क्या है हॉस्पिटल का नाम? हॉस्पिटल श्री साई सेवा संस्था है उसका और हिल लाइफ लाइन हॉस्पिटल है उसका। कितने केसेज हुए हैं अभी तक? टोटल 7 केस है, उसमें से हमारे एरिया के 4 केसेज है और बाहर के 3 है, जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत भी थी और प्रेग्नेंट औरत उसकी भी डेथ हो चुकी है और उसके बच्चे की भी डेथ हो चुकी है। बस आगे हम ये चाहते हैं कि आगे किसी की जान ना जाए, ना बच्चे की जाए, ना किसी महिला की जाए। हम तो चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। बस कहना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल जो है, कोई भी है, जितना भी मरीज गया है कोई वापस नहीं आया है। लेकिन ये हॉस्पिटल की लापरवाही होगा या तो यहाँ के डॉक्टर की लापरवाही होगा या तो वहाँ के जो इंचार्ज होंगे उनकी लापरवाही होगी। मर गई, उसका 2 ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिक्स हुआ था और कुछ लोग अफवाह फैला, वहाँ के लोग ही बता रहे हैं कि लाइट भी चले गई थी उसके ऑपरेशन के टाइम। अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो लाइट कैसे, एक गरीब के घर में अब लाइट नहीं जा रही है, तुम्हारे घर में कैसे चले गई, तुम्हारे हॉस्पिटल में कैसे चले गई? इसके पहले कोई आवाज उठाया नहीं, लेकिन ये बच्ची के आगे पीछे कोई रोने कोई है नहीं। अब आदमी आवाज नहीं उठाएगा तो कब उठाएगा? चाहे पैसा भी होना चाहिए लेकिन मिलना चाहिए उसको। 2 छोटे छोटे भाई हैं, उनका कौन देखभाल करेगा? लेकिन मतलब ये है कि उसको इंसाफ होना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। सोनी की अकेली की मौत इस अस्पताल में नहीं हुई, तो इसके पहले भी 7 लोगों की मौत इस अस्पताल के बेदरकारी के कारण हुई है। हनुमान टेकड़ी के रहवासी चाहते हैं कि सोनी को न्याय।